तो दोस्तों, आपने जो अपने हाथों में रत्न सुशोभित कर रखे हैं, क्या आपको पता है ये रत्न जीवित है या मृत है, यानी कि डेड है या लाइव है? जैसे हर एक चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो आपको क्या पता है कि आपके रत्नों की भी एक एक्सपायरी होती है? जैसे कि हम अपने जो भी मृत चीज़ें होती हैं, जो भी कुछ होती हैं, उनको हम अपने से दूर कर देते हैं। तो आपने अपने जेमस्टोन क्यों पहन रखे हैं मृत अवस्था में? ये जो रत्न या जेमस्टोन होते हैं, जब मृत होते हैं तो हमारे जीवन में किस तरह प्रभाव डालते हैं, और जीवित होते हैं तो किस तरह प्रभाव डालते हैं, और इन रत्नों की शेल्फ लाइफ, जिसे हम कहते हैं कि जीवन की अवधि कितनी होती है, आज हम सभी रत्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम रत्नों की बात करें, रत्न राजा महाराजाओं के समय से चले आ रहे हैं, जो पौराणिक काल है वहां से भी चले आ रहे हैं, तो रत्नों की महिमा कुछ ना कुछ तो है, इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं। रत्नों के लिए पता नहीं कितने झगड़े और कितने विवाद हुए, जैसे कि हमारा कोहिनूर डायमंड, आप समझ ही सकते हैं। और राजा महाराजा, उनके रत्नों से जड़े हुए आभूषण आपने देखे हैं, उनके मुकुट में कहीं अच्छे महंगे महंगे रत्न लगे होते थे। रत्न जो कि जेमस्टोन होते हैं, एक अपने अंदर एक अलग सी पावर लेकर बैठे होते हैं, और ये पावर अगर आपके शरीर में सही ढंग से पड़ जाए तो जीवन को एक नई रफ्तार मिल जाती है। और यही रत्न अगर मृत अवस्था में हो, या टूटे फटे हो, या कहीं क्रैक आ गया हो, या कुछ भी हो, तो यही रत्न आपके लिए खराबी पैदा कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई दवाई है, अगर आपने वो सही डोज में ले ली तो आपका तो बेड़ा पार, यानी कि आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। अगर वही कहीं पर डोज खराब हो गई तो वही आपके लिए बीमारी जो है और ज़्यादा जटिल हो जाएगी, और दवाई जो खाई है वो भी आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो जाएगी। तो इसी तरीके से रत्न, हर एक चीज़ की एक लाइफ होती है। जैसे कि अगर आप दूध की बात करें, दूध आप बाहर रखोगे तो कुछ समय बाद वो ख़राब हो जाएगा, चाहे दही भी है, और कुछ खाद्य पदार्थ की चीज़ें हैं तो वो भी ख़राब हो जाएंगी। अगर आप शरीर पर कपड़ा भी पहनते हो तो ये कपड़ा भी कुछ समय बाद अपनी एक लश्कर खो बैठता है, और ये कहीं से उधड़ना फटना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लोहे की बात करें तो लोहा भी एक न एक दिन ख़राब हो जाता है। अगर आप पत्थर की बात करें तो आपके घर में लगा हुआ मार्बल, वो भी एक दिन ख़राब हो जाता है। हाँ, इनकी अवधि कम या ज़्यादा हो सकती है। इसी तरीके से जब आप अपने हाथों में जेमस्टोन पहनते हो, रत्न पहनते हो, अपने गले में, अपने हाथों में, अपने ब्रेसलेट के रूप में, अपने कानों में कुंडल के रूप में, तो इनकी भी एक लाइफ होती है। अगर आप इनको ओवर लिमिट पहनते हो, एक्सपायरी डेट के बाद भी पहनते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी बन जाती है। आप कहते हो कि मैंने ये रत्न पहना, पहले तो बहुत अच्छा फ़ायदा किया, पर अब अचानक से जीवन में परेशानियाँ आनी शुरू हो गई हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से दिक्कतें आ रही हैं। आपने कभी सोचा कि जो आपने रत्न पहना था आपकी भलाई के लिए, वही अब आपकी बुराई पर उतर आया है? और दूसरी तरफ कुछ रत्न आपके ऊपर आने वाली मुसीबतों को अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि आपकी अंगूठी खुलकर गिर गई, आपकी अंगूठी में कहीं पर रत्न में क्रैक आ गया, वो टूट गई, कुछ भी हुआ, इस तरह की जो एक सिम्टम्स मिलते हैं, ये आपके ऊपर आए हुए किसी भी रूप में जो कष्ट होते हैं उनको अपने ऊपर ले लेते हैं। और ये एग्जाम्पल खास कर आपको मिलेगा सुलेमानी पत्थर के अंदर, क्योंकि इस तरह से होता है। सुलेमानी पत्थर देखिए, दो लाइन, मतलब इसमें दो रंग होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। और ये रत्न एक ऐसा रत्न है कि इंसान पे आई किसी भी तरह की मुसीबत को अपने ऊपर ले लेता है। ये पत्थर फट जाता है, टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, हाथ से गिर जाता है, कुछ भी इस तरह के आपको सिम्टम्स मिलते हैं। और भी रत्न ये काम करते हैं, पर जब आपके ऊपर मुसीबत कुछ बड़ी आन पड़ी हो और ये रत्न जीवित हो, तभी ये काम करेगा। मृत व्यक्ति क्या करेगा? एक इंसान की डेड बॉडी पड़ी है, आप उससे बोलोगे हंसो तो वो हंसेगा क्या? आप उससे बोलो लो पानी पी लो, वो पिएगा क्या? नहीं। इसी तरीके से आपका जो जेमस्टोन है 24/7 आपके साथ रहता है, और आपके जीवन में वो तरंगे डालता है जो कि आपके जीवन को सही ढंग से सुचारू रूप से चला सकती हैं। आपने देखा होगा कई लोग रत्न पहनते हैं, और रत्न पहनने के साथ साथ उसका कॉम्बिनेशन नहीं पहनते हैं, जिसके कारण उसको परेशानी आ जाती है। वो कहते हैं मैंने रत्न पहना, मेरा तो सिर दुखने लगा, मुझे तो टेंशन होने लगी, मुझे एंजाइटी होने लगी। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने रत्न पहना नहीं कि उनके जीवन के चार चांद लग गए। आपने देखे होंगे बहुत से ऐसे जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने पहने हैं, और फेमस पर्सनैलिटीज़ को भूल जाइए, तो आपके जानने वाले कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रत्न पहनते ही उनके जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए। अब मेरे हाथ में ये यहाँ पर कुछ रत्न हैं जो कि मैं आपको बारी बारी दिखाने वाला हूँ, जिसमें मोती है, गोमेद है, और
ये नीलम है और ये इस तरह से रूबी है, ये कुछ रत्न है जो मैं अभी आपको सारी इनकी लाइफ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मोती रत्न से। ये मेरे हाथ में मोती है। मोती देखिए दो तरह का मोती होता है, एक गोल्डन कलर का जनरली जो हम पहनते हैं, वैसे तो मोती कई रंग में आते हैं पर जो नॉर्मल इजीली अवेलेबल मार्केट में है वो दो रंगों में है। एक तो सफ़ेद मोती जिसे हम वाइट पर्ल बोलते हैं, और दूसरा एक मोती होता है वो होता है गोल्डन कलर का मोती। तो ये जो मोती आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं गोल्डन मोती। अब ये देखिए कितना सुनहरा रंग लिए हुए है। तो अगर हम मोती की बात करें, चाहे वो मोती गोल्डन मोती हो चाहे कोई भी हो, अगर मोती सही है, किसी प्रकार से उसमें क्रैक नहीं आया, क्रैक मतलब आप नाखून लगा के ऐसे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्रैक हो गई है कोई चीज़, अगर उसमें क्रैक नहीं आया तो ये मोती आपका 2.5 से 3 साल चल जाता है। मोती एक ऐसा रत्न होता है जो कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली घिसना शुरू हो जाता है। नरम इसका ये पदार्थ होता है, नरम मोती होता है, इसलिए घिसना शुरू हो जाता है, मोती अंगूठी में ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाता है। तो समझ लीजिए आपका मोती घिस चुका है, और अगर आप इसे सही ढंग से आप इसको सही करवा लेंगे, यानी कि जो सुनार है वो ठोक के टाइट कर देंगे, अगर आपका 2.5 साल हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2.5 साल से ज़्यादा हो गया है तो आप मोती को बदल लीजिए, पुराना मोती कहीं पर फेंक दीजिए, कहीं जल प्रवाह कर दीजिए, किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, जो उसमें सोना चांदी है वो निकाल के अपना सुनार को दीजिए, ताकि वो आपको जो भी आभूषण बनाए, जो भी अंगूठी बनाए, उसमें पैसा एडजस्ट हो जाए। अब दूसरी तरफ बात करते हैं, ये होता है रूबी। रूबी देखिए कितना बढ़िया एक अनार के दाने की तरह इसका कलर है, और ये रूबी होता है। इस रूबी को हम जनरली पहनते हैं सूर्य के लिए, जिसकी भी सिंह राशि है या सूर्य उसके अच्छे हैं कुंडली में, और वो काम करता है किसी प्रकार से सरकारी विभाग का, तो उसको माणिक रत्न जरूर पहनना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं हमारी तो राशि ये, हम वो है वो है, हम क्या रत्न पहने। देखिए एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि आप भूल जाओ कि आपकी राशि क्या है, आपका कुछ क्या है, आप जो काम करते हो उससे संबंधित रत्न जरूर पहनो, क्योंकि आपका ग्रह वही है जो आपको कामकाज में आगे बढ़ाने वाला है, और उसी से संबंधित रत्न पहन लीजिए। मान लीजिए रूबी है तो आप किसी प्रकार से कोई सरकारी काम करते हैं, कोई टीचर हो, कोई सरकारी विभाग में लगे हो, किसी भी तरह से ये रूबी होगा, या आप सोने में बनवा के या तांबे में बनवा के अपनी अनामिका उंगली में ज़रूर पहनिए। अब दूसरी तरफ बात करते हैं, ये गोमेद रत्न है। अभी नीलम भी है, नीलम की भी बात की जाएगी। तो रूबी की अगर हम बात करें तो रूबी की लाइफ हम 4 से 5 साल लेते हैं, डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी की इंसान के पास वो क्वालिटी क्या है, क्योंकि क्वालिटी पर भी डिपेंड होता है ना कि चीज़ कितनी अच्छी है, क्या क्वालिटी ली है, कितना महंगा रतन है, सस्ता रतन है, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें। अगर आप मोटा मोटा हिसाब रखें तो 4 से 4.5 साल। अब ये श्रीलंका का मेरे हाथ में गोमेद है, देखिए क्या ज़बरदस्त इसकी चमक होती है, एकदम से एक तो मन मोह लेने वाली एक चमक होती है इसकी, काफ़ी अच्छी, देखिए आप देख सकते हैं। तो ये गोमेद है, गोमेद की भी वही लाइफ होगी 4 से 5 साल। अगर कोई किसी प्रकार से क्रैक आ गए हैं, धुंधला हो गया, कहीं से टूट फूट गया है, कहीं से किनारा टूट गया है, कुछ भी हो गया, तो रत्न को तुरंत उतार दीजिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं, मेरे हाथ में ये डायमंड है। अब ये डायमंड को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो लाइफ होगी वो डायमंड की होगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो घनत्व है, उसकी जो एक हार्डनेस है वो बहुत ज़्यादा है। ये देखिए ये डायमंड मेरे हाथ में जो आपको दिख रहा है, इसकी लाइफ अगर हम देखें तो 10 साल तक ये चलता है, 10 साल तक इसको कुछ नहीं बिगड़ेगा। 10 साल के बाद अगर बाई चांस इसको कोई प्रॉब्लम आ गई, टूट गया कहीं, कुछ भी है, ये कांच तक को काटने में मजबूती इतनी होती है कि कांच तक को काट देता है, तो इसकी 10 साल तक कहीं पर भी कोई बिगाड़ नहीं होता है। हाँ, आप ज़्यादा पहनते हो तो 10 साल, अगर नहीं आप पहनते हो, कभी कभी पहनते हो आप जैसे शादी की रिंग्स वगैरह, तो वो लाइफ टाइम की है, उनको भूल जाइए कि वो कभी ख़राब होंगी। अगर आप कोई ज्योतिषीय पर्पज़ के तहत पहनते हो तो 10 साल से ज़्यादा आप अपने डायमंड को भी इस्तेमाल ना करें। समय समय पर करना क्या है, अब उस डायमंड को आप ले जाइए और उसको दीजिए और बोलिए इससे बड़ा दीजिए अब। क्यों? क्योंकि आपको पहनना है, और वही डायमंड तो आपका जीवन में रास्ते खोल रहा था। चलिए अब हम बात करते हैं शनि के रत्न नीलम के बारे में। ये देखिए ये नीलम है जो मेरे हाथ में है, एक नेचुरल नीलम, और ये इसकी पैकिंग में नीलम है। अब हम नीलम के जेमस्टोन की बात करें, नीलम और पुखराज, अब देखिए ये दो रत्न हैं। इन दो रत्नों की अगर हम लाइफ की बात करें तो 5 से 7 साल। क्यों? क्योंकि इनकी जो एक मार्केट में अवेलेबिलिटी है वो दो कई तरह की है।
अगर आप बैंकॉक वगैरह का लेते हैं तो 5 साल, अगर आप कहीं श्रीलंका वगैरह का लेते हैं बढ़िया अच्छा वाला, तो आपको उसकी जो शेल्फ लाइफ होगी वो 7 साल होगी। ये नीलम है और ये काफ़ी अच्छी एक चमक लिए हुए मेरे हाथ में जो नीलम है, ये नीलम शनि के लिए पहना जाता है। और ये नीलम पहनना क्यों है, क्योंकि शनि के रत्न का ये एक काम करता है और शनि के फल उनको अच्छा करता है। शनि के काम कौन करते हैं, जैसे कोई किसी तरह से कोई पॉलिटिशियंस हैं, कोई किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कोई ठेकेदारी का काम करते हैं, कोई लोहे का काम करते हैं, कोई फैब्रिकेशन का, कोई आयरन का, ग्रिल्स का, जो भी ये काम करते हैं शनि से संबंधित। आप जानते होंगे कि आप कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, इतना तो आप समझ ही गए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो काम हैं वो शनि से संबंधित आते हैं। खैर, इस पर मैं एक दिन वीडियो ज़रूर बना दूंगा, तो अभी यहाँ पर लिमिटेड बात की जाए तभी वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। तो इस तरह से शनि का रत्न आप पहनिए और समय से उसको चेंज भी करिए। शनि का रत्न 2 धातु में ही पहना जाता है जनरली, पहला तो सोना, दूसरा हो गया प्लैटिनम। प्लैटिनम में आप पहनोगे और ये मध्यमा उंगली, अगर मान लीजिए सोना अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लैटिनम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो पंचधातु में बीच वाली उंगली में आपको पहनना है। और अब बात करते हैं शुक्र का उपरत्न। ज़्यादातर लोग ओपल पहनते हैं, मेरी बात समझिए, ओपल और पन्ना शुक्र और बुध के, ये 2 रत्न ऐसे हैं, अगर आप दुकान पर भी लेने जाओगे तो वो भी इन रत्नों को तेल में डुबा के रखते हैं। आपने कभी देखा होगा उन पे तेल लगा होता है, कभी दुकान पे आप लेने गए होंगे तो तेल लगा होता है। क्यों? क्योंकि ये रत्न ऐसे रत्न हैं जिनके अंदर इनको मॉइस्चर बहुत चाहिए होता है, सूखापन आते ही ये रत्न अंदर से क्रैक होना शुरू हो जाते हैं। तो ओपल रत्न आप हद से हद 2.5 से 3 साल तक ही पहनिए, इसके बाद उसको उतार के फेंक दीजिए। इसी तरह से पन्ना रत्न 3 से 4 साल, क्योंकि पन्ने की अलग अलग क्वालिटी होती है, 3 से 4 साल का आप पहनिए, 3 से 4 साल तक पहनिए, उसके बाद उतार के बदल दीजिए, फेंक दीजिए, कुछ भी आप कर सकते हो। क्योंकि देखिए, ये रत्न अगर सही ढंग से आपने पहन लिए तभी आप सही ढंग से उनका असर पाओगे, वरना आपको असर नहीं मिलेगा, नुकसान मिल सकता है। और आप उन्हीं चीज़ से नुकसान पालोगे जो आपके लिए अच्छी हैं, तो अच्छी है तो उनको अच्छा बरकरार बनाए रखने के लिए इन बातों पर ध्यान रखिए। देखिए, आपके जीवन में कभी भी बुरे फल नहीं मिलेंगे रत्न के। और रत्न कैसे पहने जाते हैं, रत्न के साथ साथ कॉम्बिनेशन जरूर बना के रखिए। जैसे मान लीजिए आपने पन्ना पहना, तो पन्ना यानी कि बुध का रत्न है, तो उसके साथ साथ शुक्र का रत्न जरूर पहनिए। आपने नीलम पहना, तो नीलम अगर अकेला नहीं पहन सकते तो नीलम के दोष दूर करने के लिए आप उसके साथ साथ पीताम्बरी, आप नीलम हटा दीजिए, आप सिर्फ पीताम्बरी पहन लीजिए। पीताम्बरी में बृहस्पति और शनि दोनों का असर है। अगर आप अकेला नीलम पहन रहे हो तो नीलम के साथ साथ पन्ना या फिर आप डायमंड या ओपल जरूर पहनिए। अगर आप पुखराज पहन रहे हो तो उसके साथ साथ मोती जरूर पहनिए। अगर आप रूबी पहन रहे हो तो रूबी के साथ साथ मोती जरूर पहनिए। मूंगा पहन रहे हो तो मूंगा के साथ आप मोती जरूर पहनिए। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे किए जाते हैं, वो कुंडली के अकॉर्डिंग कर दिए जाते हैं, पर यहाँ पर मैंने आपको जनरल टिप दे दिए, इनको जरूर अपने जीवन में फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों, रत्नों की दुनिया बहुत बड़ी है और यही बहुत बड़ी दुनिया में आपको बहुत बड़ा भी बना सकते हैं रत्न, अगर सही ढंग से इस्तेमाल कर लिए जाएं। बाकी ऐसी और जानकारियों को लेकर मैं दोबारा फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।